लास्ट कुछ दिनों से मैं अपना व्लॉग बना नहीं पाया, सो मैंने सोचा आज फिर से मैं अपना व्लॉग बनाना शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं कुछ लिख रहा था और लिखते लिखते मैं बिज़ी हो गया था. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनर कॉन्फ्लिक्ट और आउटर कॉन्फ्लिक्ट स्क्रीन प्ले में क्या महत्व रखते हैं. कीप वॉचिंग. बेसिकली स्क्रीन राइटिंग एक टेक्निकल आर्ट है. वो राइटिंग की तरह एक क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है जिसमें आप जो मनाएं आप उसको लिख दें और उसके बाद वो एक अच्छी स्टोरी बनकर निकलती है. आपने सुना होगा कि हर स्टोरी में थ्री एक्ट स्ट्रक्चर होता है. थ्री एक्ट स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि जिसमें आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपका एक कॉन्फ्लिक्ट होता है और आपका एक रेजोल्यूशन होता है. सो बेसिकली आप इंट्रोडक्शन में करेक्टर्स को इस्टेब्लिश करते हैं और फिर उन करेक्टर्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है. वो कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, सिचुएशन के साथ भी हो सकता है, अलग अलग चीज़ों के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. पर उस कॉन्फ्लिक्ट को जब आप रिजॉल्व करते हैं तो आपकी स्टोरी खत्म होती है. दुनिया की हर स्टोरी बेसिकली इस फॉर्मेट को फॉलो करती है. ये फॉर्मेट बेसिकली शेक्सपियर के टाइम से आया था, जिसमें हर एक्ट के बाद एक ब्रेक होता था जिसमें लोग अपना बाहर जाते थे, रिलैक्स करते थे और उतनी देर में बाकी जो एक्टर्स होते थे वो प्रिपेयर करते थे. तो नॉर्मली थ्री एक्ट्स में, सिक्स एक्ट्स में, नाइन एक्ट्स में प्लेज होते थे, जिसकी वजह से आज वो नाम पड़ चुका है कि आप थ्री एक्ट स्ट्रक्चर को हम लोग एक मापदंड मानते हैं जिसमें हम अपनी सारी स्टोरीज लिखते हैं. स्क्रीन प्ले, पहले जब मैं स्क्रीन प्ले लिखता था तो मुझे लगता था कि अगर आप कुछ भी लिख दोगे तो आपका स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कई ऐसी फ्रेंच फिल्में मैंने देखी थी जिसमें मुझे लगता था कोई स्टोरी नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है. कुछ इटालियन फिल्में देखी थी जिसमें कहीं से भी शुरू होती थी और कहीं से भी खत्म हो जाती थी, एंड दे वुडंट इम्पैक्ट मी द वे इंडियन फिल्म्स वुड इम्पैक्ट मी और हॉलीवुड फिल्म्स वुड इम्पैक्ट मी. हॉलीवुड फिल्म्स बेसिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होती हैं, उसमें प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट होता है कैरेक्टर्स का, उसमें प्रॉपर मेथड्स फॉलो किए जाते हैं जो स्क्रीन राइटर्स के होते हैं, और जिसकी वजह से वो फिल्में हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं. वो बेसिकली रिसर्च के बेसिस पे बनी फिल्में होती हैं. सालों से स्क्रीन राइटिंग के ऊपर जो रिसर्च हो रही है कि कहाँ पर हमें ट्विस्ट एंड टर्न्स डालने हैं उसके बारे में मैं आपको कभी और बताऊंगा, बट बेसिकली उस वो सारी जो मेथड्स हैं वो हॉलीवुड ने डेवलप किए हैं. ये क्या चीज़ें ऑडियंस के ऑडियंस को अच्छी लगती हैं और क्या चीज़ें ऑडियंस को नहीं अच्छी लगती हैं, सो उसके बेसिस पे उन्होंने स्क्रीन राइटिंग के कुछ मेथड्स डेवलप किए हैं जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्ले लिख सकते हैं, जो कि मैं अक्सर यूज़ करता हूँ. और बहुत सारी किताबें हैं, रॉबर्ट ब्लेक की किताब है, सिकफील्ड की किताबें हैं और बहुत सारी स्क्रीन, रॉबर्ट मैकी की किताब है, सॉरी एक किताब है स्टोरी विच आई फॉरगॉट टू मेंशन, वेरी नाइस बुक, वेरी थिक बुक, बिग किताब है और पर उसको पढ़ना ज़रूरी है. आप उसका हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी कोई भी वर्जन ले सकते हैं पर उसको पढ़ना ज़रूरी है. मैं एक बहुत बड़े राइटर हैं उनके यहाँ, मैं उनका शायद नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अभी मेरी उनसे बात नहीं होती, बट उनके यहाँ मैं जब स्क्रीन राइटिंग करता था तो बेसिकली मैं गोस्ट राइटिंग करता था उनके यहाँ. गोस्ट राइटिंग होती है जब आप किसी के लिखते हो पर आपको नाम नहीं मिलता, सिर्फ पैसा मिलता है. सो मैं पैसे के लिए लिख रहा था तो उनके पास ये किताब रखी हुई थी और मैं अक्सर उस किताब को देखता था और सोचता था किस दिन इसको पढ़ूंगा. फिर मैंने वो किताब ऑनलाइन डाउनलोड की और फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, एंड दैट बुक हैज़ लॉट्स ऑफ कंटेंट विच यू मस्ट रीड एंड गो थ्रू, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी. खैर, ये वीडियो जो आज है ये इनर कॉन्फ्लिक्ट और आउटर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है, जिसके बारे में मोस्ट राइटर्स नहीं समझ पाते कि ये बेसिकली क्या होता है और उसको कैसे देखा जाता है. जब आप कोई स्टोरी लिखते हो, जब आप कोई शॉर्ट स्टोरी लिखते हो या फिर आप कोई नॉवेल लिख रहे हो या फिर आप कोई बुक लिख रहे हो बेसिकली, तो उसमें क्या होता है कि आप जब लिख रहे हो कोई करेक्टर कुछ सोच रहा है, जैसे कोई करेक्टर के दिमाग में एक द्वंद है कि वो एक पर्टिकुलर आदमी से मिलने जाए या ना जाए, तो वो सोचेगा कि मैं उससे मिलने जाऊं या ना जाऊं. उसके दिमाग में 50 चीज़ें चलेंगे, 50 क्वेश्चन चलेंगे, विच यू कैन राइट इन अ नॉवल दैट दिस इज गोइंग इनसाइड हिज माइंड. यू कैन एक्चुअली शो एंड डिपिक्ट द थॉट्स दैट आर एग्जिस्टिंग इनसाइड हिज माइंड. बट स्क्रीन प्ले में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्रीन प्ले लिखते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो स्क्रीन प्ले आप लिख रहे हैं वो डायरेक्टर उसको कन्वर्ट करेगा फ्रेम्स में, इमेजेस में, उसको कैप्चर करेगा और वहाँ पे उस चीज़ को दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. और यहीं पे इनर कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस आउटर कॉन्फ्लिक्ट आते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल है फिल्म दीवार. अब दीवार मेरी फेवरेट फिल्म है और अक्सर मैं उसका रेफरेंस देता हूँ. वो एक अपने आप में स्टडी है, रिसर्च है, अगर आप फिल्म मेकिंग पढ़ना चाहें तो. तो दीवार फिल्म में एक सीन है जहाँ पर शशि कपूर पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है और उसको जब पहला उसका पोस्टिंग मुंबई में होता है तो उसको बताया जाता है कमिश्नर के द्वारा कि तुम्हारा जो भाई है उसका ही केस तुमको हैंडल करना है और तुम्हारा भाई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, स्मगलर है और उसको अंदर करना है. तो शशि कपूर वो केस लेने से मना कर देता है. वो कहता है कि मैं ये केस नहीं लूँगा क्योंकि मेरा भाई है और मैं शायद इस केस के साथ ऑनेस्टली काम नहीं कर पाऊँगा, मैं पार्शल रहूँगा क्योंकि ऑफकोर्स वो मेरा भाई है.
तो वो केस नहीं लेना चाहता है अपने मॉरल इश्यूज की वजह से, और क्योंकि वो अपने भाई से प्यार करता है, अपने भाई के खिलाफ कैसे केस कैसे ले सकता है, जिस भाई ने उसको पाल पोस के बड़ा किया है उसकी वजह से वो पुलिस इंस्पेक्टर बना है, तो उसके खिलाफ वो केस नहीं लेना चाहता। फिर आगे जाके एक बच्चा होता है जो भूखा होता है, तो वो ब्रेड लेके भाग रहा होता है, तो शशि कपूर देखता है और एज अ रिजल्ट बिकॉज इज अ पुलिस मैन तो उसके पीछे भागता है। अब वो बच्चा भागते भागते एक जगह पहुंचता है रेलवे की पटरियों पर जहाँ वो भाग रहा होता है, शशि कपूर बंदूक निकाल के उसको गोली मार देता है। अब जो क्राइम किया होता है बच्चे ने वो बहुत छोटा है, पर जो सज़ा उसको मिली है वो बहुत ज़्यादा है, तो शशि कपूर को गिल्टी होती है। तो वो क्या करता है, वो जाता है और उस बच्चे के घर पे जाता है जहाँ उसके बूढ़े माँ बाप उसको मिलते हैं। बूढ़े बाप का रोल किया है एके अंगल ने, तो बूढ़े माँ बाप से पूछता है कि आप लोग क्या करते हैं, मैं आपके लिए खाना लेके आया हूँ, आप लोग खाना खा लीजिए, आपका बच्चा अस्पताल में है। जब ये सब बातें हो जाती हैं उसकी माँ खुश हो जाती है कि चलो कोई हमारे लिए खाना लेके आया, इतना कोई ध्यान रखता है, तो बताता है कि मैं ही वो पुलिस इंस्पेक्टर हूँ जिसने आपके बेटे को गोली मारी है। ये सुन के उसकी माँ गुस्सा जाती है और अंदर चली जाती है, उसका बाप उसे कंट्रोल करता है और कहता है कि तुम अभी अंदर जाओ मैं इनसे बात करता हूँ। तो वो पूछता है कि आपने गोली क्यों मारी, तो शशि कपूर बताता है कि वो चोरी करके भाग रहा था, वो रुक नहीं रहा था इसलिए मुझे उसे गोली मारनी पड़ी, जो कि गलत है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। पर उस टाइम पे एक ही हंगल उसे कुछ ऐसी चीज़ बताता है जिससे उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। वो कहता है कि जो मेरा बेटा है उसने देखा होगा कि मेरे माँ बाप भूखे हैं, तो शायद उससे हमारी भूख देखी नहीं गई और उसने जाके चोरी कर ली, क्योंकि वो उस तरह का लड़का है नहीं, अच्छा पढ़ने में लड़का था, बस माँ बाप का दुख उससे देखा नहीं गया। और ये क्योंकि इनकी जॉब चली गई है, इनके पास पैसे नहीं है, तो वो घर का लालन पालन नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे ने ये शायद कदम लिया होगा। पर उसके बाद वो कहता है कि पर अगर अगर भूख लग रही है तो क्या आदमी क्राइम को रिजॉर्ट करेगा, क्या वो इलीगल काम करने लगेगा, जो कि गलत है। दुनिया में हज़ारों लोग भूखे हैं, भारत में भी हज़ारों लोग भूखे हैं, तो उसका मतलब ये थोड़े ना है कि वो क्राइम करने लगेंगे, वो इलीगल काम करने लगेंगे। शशि कपूर को वो चीज़ स्ट्राइक करती है, वो फिर से पूछता है कि आप क्या करते थे, आप जॉब कहाँ करते थे, तो बताता था कि मैं स्कूल मास्टर था, स्कूल को बच्चों को पढ़ाता था। तो वो कहता है कि ऐसी शिक्षा मुझे सिर्फ स्कूल मास्टर के यहाँ मिल सकती है। वो वापस जाता है और केस ले लेता है। नाउ दिस इज इन माय ओपिनियन इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस आउटर कॉन्फ्लिक्ट। नाउ द थिंग इज ये सारी प्रॉब्लम इन रियल लाइफ शशि कपूर अपने आप से भी सॉल्व कर सकता था। लाइक अगर शशि कपूर को केस मिलता है, शाम को जाता चाय की कुमटी बैठता, थोड़ी देर सोचता, तो उसकी इस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन हो जाता और वो सोचता है कि भाई ये तो क्या हुआ, एथिकली अगर मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है तो मुझे उसको पूरा करना चाहिए। पर वो ऐसा नहीं करता, हम उसे फिल्म में नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर आप फिल्म में एक शॉट लगाओगे जहाँ पर शशि कपूर बैठा चाय पी रहा है और सोच रहा है कि मुझे अपने भाई के खिलाफ केस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बाद में उसे सोल्यूशन भी उसके दिमाग के हिसाब से मिल जाता है, फिर वो जाके डिसीजन करता है कि वो केस ले लेगा। पर इसमें प्रॉब्लम यह है कि वो सीन बहुत बोरिंग होगा, जिसकी वजह से हमको स्टोरी को थोड़ा ड्रामेटाइज करना पड़ता है। हम इनर कॉन्फ्लिक्ट जो कि शशि कपूर के अंदर चल रहा है उसको एक एक्सटर्नल स्टोरी जिसका फिल्म से बेसिकली कोई मतलब नहीं है उसके थ्रू दिखाते हैं। सो ये बेसिकली इस बच्चे का, उसके माँ बाप का और इस पूरी एंटायर स्टोरी का फिल्म से कोई भी मतलब नहीं था। ये स्टोरी फिल्म में कैटलिस्ट की तरह थी, तो ये आती है और इसके थ्रू हम ऑडियंस को दिखाते हैं कि कैसे शशि कपूर ने अपना दिमाग चेंज किया और कैसे शशि कपूर के अंदर कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन आया। द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई ऑल्सो फेस while writing some script is the character transformation, because when the character transformation happens there are a lot of inner conflicts that are going on inside the character. Us inner conflict ki wajah se kya hota hai ki uske dimag mein bahut kuch cheezein chal rahi hoti hain. As a writer, as a screenplay writer, wo dikhana bahut mushkil hota hai kyunki wo aap kisi scenario ke through dikha sakte ho. Like agar kisi aadmi ki job chali gayi hai aur koi ek scene hai jaise ki kisi aadmi ki job chali gayi hai aur wo baitha hai aur use koi hard स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने अपनी लाइफ के बारे में कि अपना स्टार्टअप खोलना है, अपना बिजनेस करना है या कहीं और जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो बेसिकली क्या करेगा, वो कहीं बैठेगा बियर बार में या फिर कहीं रोड पे बैठेगा, दारू पिएगा, सोचेगा उसके बारे में, उसको फाइनली सोल्यूशन मिल जाएगा। पर अगर आप उसको फिल्म में दिखाना है तो अगर मैं होता तो मैं उसे फिल्म मेकर से दिखाता कि वो बैठा हुआ है कहीं पर रोड पर और सामने भिखारी है जो कि बहुत गरीब है फिर भी ऑनेस्टली चीज़ों को बेच रहा है, तो उसके पास जाता उससे कुछ सवाल करता और भिखारी उसे बोलता कि वो बहुत गरीब था, उसकी जॉब चली गई थी, बच्चों ने घर से निकाल दिया, पर उसने डिसाइड किया कि वो खाली नहीं बैठेगा, वो अपना सामान बेचेगा, उससे पैसा कमाएगा और घर का खर्चा चलाएगा। एंड दिस इज़ व्हाट स्ट्राइक्स हिम एंड ही गोज़ बैक एंड ही डिसाइड्स दैट ही इज़ गोइंग टू डू अ जॉब, ही इज़ गोइंग टू डू अ बिजनेस नो मैटर व्हाट, ही इज़ गोइंग टू डू हिज ओन थिंग। सो इन दिस पर्टिकुलर सीन आई हैव शोन दिस इनर कॉन्फ्लिक्ट विद एन आउटर रिजोल्यूशन। तो आउटर कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू मैंने इनर कॉन्फ्लिक्ट उसका रिजोल्व कर लिया और ऑडियंस को दिखा दिया कि किस तरह उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अगर आप गॉडफादर पिक्चर देखें तो गॉडफादर पिक्चर इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। माइकल कॉर्लियोन इज़ वन गाय
हु इज वाइट शीप इन अ ब्लैक फैमिली बेसिकली, उसकी पूरी फैमिली माफिया है और माइकल कॉलियन जो है वो बिल्कुल भी इसमें घुसना नहीं चाहता है एंड ही बेसिकली हेट्स द बिजनेस द फैमिली बिजनेस दैट एवरीवन डज. ही ट्राइज टू डिफेंड इट एट टाइम्स टू हिज टू बी फियांसे बट ही डजंट लाइक वॉट हिज फादर डज एंड ही इज प्रिटी एम्बैरेस्ड अबाउट वॉट दे डू. But when the situation falls, and this is in screenplay writing, is called inciting moment, when his father Don Corleone is shot, he decides to that he has to save his family, and that's the inciting point because that's the point where things start to change. That is the point where the conflict starts to happen, and he has to start doing things which he didn't like to do because he has to save his family. And in order to save his family, he becomes his own father, which initially he despised. So that was the best example of character transformation, and his bigger character, biggest character transformation happens when this famous restaurant scene happens, जब वो एक पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मारता है. Now he is a person who is in army, so basically he is following the law, he is following the government, he is working for government. So when he kills another government officer, that means his entire personality has changed. He has gone against his own ethics, he has gone against his own rules. And we show his entire character transformation through all these small steps in the film Godfather. Tabhi wo pictures 3.5 ghante ki hai. So ye tha inner conflict and outer conflict. Agar aap apni script likhte hain aur aapko lagta hai ki mereko inner conflict and outer conflict dikhana hai, to aap usko dikhane ke liye ek separate story device karein, jo ki aksar bahut difficult kaam hai aur bahut sare screen writers usko use nahi karte hain. थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, पर अगर आप उसको यूज़ करेंगे आपका स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया हो जाएगा. और मेरा एक सजेशन है कि कृपया नरेशन और वॉइस ओवर का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि वॉइस ओवर का इस्तेमाल एक तो हर कोई कर नहीं सकता है. इंडिया के राइटर्स बहुत ख़राब तरीके से वॉइस ओवर का इस्तेमाल करते हैं. बहुत कम ही फिल्म मेकर्स हैं दुनिया में जो वॉइस ओवर को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इंडिया में बेसिकली वॉइस ओवर स्पून फीडिंग की तरह इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर आप ऑडियंस को स्पून फीड करते हैं इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम टाइम में. वॉइस ओवर इनिशियली आपका आउटर कॉन्फ्लिक्ट दिखाने के लिए ही यूज़ होते थे, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत कम टाइम में देने के लिए इस्तेमाल होते थे. और जो चीज़ें आप दिखा नहीं सकते पर आप उसको बता के, मतलब वो इतना रेलिवेंट नहीं है फिल्म के लिए पर स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, आप उसके लिए वॉइस ओवर का इस्तेमाल करते थे. जितना हो सके वॉइस ओवर के यूज़ से बचें, क्योंकि वॉइस ओवर इज़ बहुत ईजी तरीका है अपनी स्टोरी को समझाने का. बट अगेन, अगर वॉइस ओवर यूज़ करना था तो आप रेडियो इस्तेमाल करें, आप फिल्म ना बनाएं, क्योंकि फिल्म प्रीडोमिनेंटली विजुअल मीडियम है. साउंड उसको हेल्प करता है बट स्टिल इट्स अ विजुअल मीडियम, सो यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली. सो जब भी आप स्टोरी लिखें आप उसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन का ध्यान दें, और ये ध्यान दें कि इनर कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से स्टोरी के थ्रू आउटर कॉन्फ्लिक्ट से दिखाना है. थैंक यू.